हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 के फिजिक्स के आप लोग को 2 पॉइंट आपको बच रहा है सेकंड चैप्टर का, उसको आज हम लोग समाप्त कर लेते हैं। वह चैप्टर में क्या बच रहा है, पहला पॉइंट जो बच रहा है आपको पहला इस यहाँ पे कि बिना हाथ से स्पर्श किए लेंस की पहचान करेंगे कैसे। और दूसरा पॉइंट इसमें जो बच रहा है आपका, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताएं। आज ये दोनों पॉइंट को समाप्त करके इस चैप्टर को एंड करना। और पहले पढ़ा चुके हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये बात पहले हो चुकी है। तो चलिए, ये दो पॉइंट है, इसको हम लोग समाप्त कर लेते हैं। तो देखिए, लेंस को बिना हाथ से स्पर्श किए लेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो बिना हाथ से छुए लेंस की पहचान प्रतिबिंब के आधार पर किया जाता है, प्रतिबिंब के आधार पर किया जाता है। यदि किसी लेंस के सामने किसी वस्तु को ले जाने पर यदि उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा प्राप्त, काल्पनिक प्राप्त होगी, तो वह लेंस अवतल होता है, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। और यदि किसी लेंस के सामने किसी वस्तु को ले जाने पर यदि प्रतिबिंब सभी प्रकार के प्राप्त हो, मतलब बड़ा भी प्राप्त हो जाता है, छोटा भी प्राप्त हो जाता है, काल्पनिक भी प्राप्त होता है, वास्तविक भी प्राप्त होता है, तो वह लेंस हर हालत में उत्तल होगी। तीसरा पॉइंट, यदि किसी वस्तु के सामने समतल कांच के सतह के नजदीक ले जाया जाता है, तो उसका प्रतिबिंब यदि हमेशा वस्तु के बराबर हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि वह कांच का सिल्ली है। तो चलिए, यही 3 बात है, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो क्वेश्चन बनाइएगा, बिना हाथ से स्पर्श किए लेंस की पहचान करेंगे कैसे। तो लिखिएगा आंसर इसका, बिना हाथ से स्पर्श किए लेंस की पहचान प्रतिबिंब के आधार पर किया जाता है, प्रतिबिंब के आधार पर किया जाता है। पैराग्राफ चेंज के लिख करके लिखिएगा, यदि किसी वस्तु को लेंस के सामने ले जाने पर लेंस के सामने ले जाने पर प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्राप्त हो, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्राप्त हो, तो वह लेंस अवतल लेंस होगी। दूसरा पॉइंट लिखेगा, यदि उत्तल पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखिएगा, यदि लेंस के सामने किसी वस्तु को ले जाने पर यदि उसका प्रतिबिंब सभी प्रकार के प्राप्त हो, सभी प्रकार का प्राप्त हो,
तो लेंस उत्तल होगा। तीसरा पॉइंट लिखेगा, मतलब फिर पैराग्राफ चेंज करके, तो यदि लेंस के सामने किसी वस्तु को ले जाने पर यदि उसकी आकृति वस्तु के बराबर हो जाए तो लेंस हमेशा समतल होगी, मतलब कांच की सिल्ली होगी। चलिए आप देखिए, उत्तल लेंस दूसरा क्वेश्चन है और अवतल लेंस में अंतर। तो उत्तल लेंस में अंतर पहले सुन लीजिए, उसके बाद दिखेगा। उत्तल लेंस का बीच का सतह मोटा होता है, सतह मोटा और किनारे का सतह पतला। इसमें बोलेंगे कि इसमें बीच का सतह पतला और किनारे के सतह मोटी होती है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेगा, उत्तल लेंस में, सुनिएगा पहले, उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होता, जबकि अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता। तीसरा पॉइंट इसका सुनिएगा, उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होती है, क्योंकि वह हमेशा उत्तल लेंस जो होते हैं बाबू ऐसा होता है, और जो ही प्रधानांश के समांतर किरण चलाते हैं तो वास्तविक किरणें से कटती। उत्तल लेंस की मुख्य फोकस वास्तविक होती है, जबकि अवतल लेंस का वह फोकस काल्पनिक होती है। चौथा पॉइंट जानिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये वाला दूरी प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर है तो पॉजिटिव है, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए ये चारों पॉइंट को धीरे धीरे आप लोग लिख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, उत्तल एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। पेज को बीच से डिवाइड कर दीजिए इस प्रकार सा, और एक तरफ लिखिएगा उत्तल लेंस और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस में लिखिएगा, वैसा लेंस जिसमें बीच की सतह मोटी और किनारे की सतह पतली होती है। अवतल में लिखिएगा पहला पॉइंट, वैसा लेंस जिसमें बीच की सतह पतली और किनारे की सतह मोटी होती है। दोनों तरफ फिगर दे दीजिए, फिजिक्स है बोस तो नंबर नहीं कटेंगे।
दूसरा पॉइंट, उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल क्यों लिखेगा, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा पॉइंट लिखेगा, उत्तल में उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होती है। इधर लिखेगा, अवतल लेंस की फोकस काल्पनिक होती है। इसका भी फिगर दे दीजिए तो बेहतर हो। इस प्रकार से देखिए, फिजिक्स में कभी भी फिगर देने से मत भागिए, क्योंकि फिजिक्स फिगरे पर है। अगला लिखिएगा, चौथा पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। इधर लिखिएगा चौथा पॉइंट, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उधर लिखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए, आप लोग को आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए होमवर्क लिखे, तो फिजिक्स का एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 cm है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। दूसरा लिखिएगा, एक लेंस की क्षमता -4 diopter है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें तथा लेंस की प्रकृति बताएं। तीसरा, आपके पास 4 लेंस हैं जिनकी क्षमता, जिनकी क्षमता a = 3D, b = 4D, c = -1D और g = 0.25D। किस लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे बना लीजिएगा, और अगले वीडियो में आप लोग को अब केमिस्ट्री सेकंड पार्ट चैप्टर चालू कर देंगे, केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर। इस बात पर, दूसरी बात, आप लोग और एक बात पर विशेष गौर करेंगे, कल आप लोग को 1 तारीख को, मतलब 1 मई, 1 मई को आप लोग को फिजिक्स 2 चैप्टर तक और केमिस्ट्री 1st चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तक आप लोग को क्लियर कर लीजिएगा। 1 तारीख को आप लोग को टेस्ट का वीडियो डालेंगे और आप लोग उसका आंसर आप लोग व्हाट्सएप पर बना करके भेज दीजिएगा। उसकी जांच करके आप लोग को
फिर नंबर बताई जाएगी और वो टेस्ट आप लोग को आपका 60 नंबर की होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगी। कल आप लोग को जो है नए चैप्टर की शुरुआत केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर को करना है, और जो भी थोड़ा बहुत अभी निम्नकल बच रहा उसको धीरे धीरे अब एक एक दिन दो दो दिन नागा करके उसका हम निम्नकल देंगे और उसको धीरे धीरे सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना।